ब्रिटेन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद इसकी जानकारी दी। जॉनसन ने देश के नाम संदेश में कहा, हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे ये सोचना छोड़ दें कि यह वेरिएंट खतरनाक नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से देश के अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान मोदी अचानक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से मिलने पहुंच गए। इनकी संख्या 50 से ज्यादा थी। सभी नए परिसर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मोदी वहां पहुंचे और करीब 10 मिनट तक उन पर फूल बरसाते रहे। पीएम उनके साथ सीढ़ी पर ही बैठ गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस फोर्स पर सोमवार शाम हमला कर दिया। श्रीनगर के जेवन इलाके में फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने पुलिस बस पर गोलियां बरसाई। अभी 14 जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। इनमें 4 की हालत गंभीर है। टोक्यो ओलंपिक के बाद देश में पहली बार मिशन ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बैठक की अध्यक्षता की। खेल मंत्री ने कहा कि बैठक में पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान कैसे अच्छा प्रदर्शन करें, इस पर रोडमैप तैयार हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सोना चांदी के दामों में बढ़त देखी गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज सराफा बाजार में सोना 293 रुपए महंगा होकर 48,109 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के ओपनर और उप कप्तान रोहित शर्मा हाथ में लगी चोट के कारण सीरीज के तीनों टेस्ट से बाहर हो गए हैं। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।